किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं? मैम मैं कम से कम आधा घंटा से कॉल बैक से रिक्वेस्ट कर रहा, मेरे पास कोई भी एक भी कॉल नहीं है, इतनी देर में कॉल बैक करोगे तो या तो आशा हो गया खत्म हो जाएगा। जी सर, असुविधा के लिए माफी चाहते टेलीफोन लाइन करने के लिए। मैं अभी अभी मैम मैंने अभी अभी एक ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है जी, जिसमें ये डीएनडी नोएडा का बॉर्डर पे पुलिस वालों की चेकिंग चल रही थी, जिसमें भी मेरे भी गाड़ी को चेकिंग करी है, तो पार्सल जो कस्टमर ने मुझे दिया था उसमें नशीली पदार्थ को निकला, गांजा निकला है, तो पुलिस वाले मेरे गाड़ी का चाबी प्लस वो जो आइटम था नशीली पदार्थ वो दोनों ने जब्त कर लिया। अब बताओ मैम क्या करो, कस्टमर को फोन करिए, उनको कॉल लग नहीं रहा, मैंने कई बार कॉल करके लिए रिक्वेस्ट की थी कंपनी में, कस्टमर को भी कॉल किया, कोई भी कॉल नहीं लग रहा, बताओ मैं क्या करूँ मैम। जी सर, असुविधा के लिए माफी चाहते, सॉरी फॉर देम कन्वीनियंस सिचुएशन, हम समझ पा रहे आपकी असुविधा को, मतलब आपका व्हीकल जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। हाँ जी जी, हम समझ पा रहे आपकी असुविधा को सर, रिक्वेस्ट करते हैं। कस्टमर ने माल दिया था विदाउट बिल का और डीएनडी पे चेकिंग चल रही थी, सभी टू व्हीलर का उन्होंने चेकिंग करी, तो मेरे पास सामान एक थैली में निकला था, उन्होंने खोल के चेक बोला खोल के दिखाओ, मैं मना कर रहा था, उन्होंने खोल के देखा तो सर नशीली पता गांजा निकला है, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी गांजा नशीली का नशा करने का गांजा आता है गांजा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सिचुएशन, आप पुलिस कर रहे हैं, सॉरी जी, तो पुलिस वाले ने बोला कि ये गांजा है, ये नहीं बिल नहीं दिया था, ये छोटा सा थैली में पैक करके दिया था उन्होंने, तो मुझे क्या पता क्या, हमारा तो काम है फील्ड का काम डिलीवरी करना, अब कस्टमर इस तरीके से अगर नशीली पदार्थ बताया था। हाँ मैंने बताया, मैंने उनको लाइव ट्रिप भी दिखा, ये दिखे ट्रिप मैंने यहाँ से यहाँ पिकअप किया, ड्रॉप लोकेशन की यहाँ की है, तो उन्होंने बोला कि साहब जो जिन्होंने जिनको माल डिलीवरी करना है उनको बुला लो यहाँ पे, तभी आपको गाड़ी मिलेगी, चाबी मिलेगी और उसके बाद ही हो पाएगा आपका काम। एक घंटा हो गया मैं खड़े खड़ा, बताओ मैम क्या करूँगा, उनको फोन करो कस्टमर को। जी, असुविधा के लिए माफी चाहते, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सिचुएशन, और काम समझ पा रहे आपकी असुविधा को, रिक्वेस्ट करते हो, आपने ट्रिप भी कंप्लीट कर लिया है ना, आपने भी करा कॉल बैक ही नहीं यार, आधा घंटा से ऊपर हो गया, ना कोई कॉल बैक आ रहा ना कुछ आ रहा है, इस रिगार्डिंग मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ। प्लीज कंफर्म कीजिए आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए, आप पार्टनर सर बोल रहे, आपका टू व्हीलर था, उन्होंने आपने पिकअप कर लिया, रास्ते में थे, आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसमें गांजा है। जी जी, हम समझ पा रहे आपकी असुविधा को सर, रिक्वेस्ट कर रहे लाइन पर बने रहिए, मैं अभी उनको मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ। अभी करिए मैम, जल्दी करिए, मैं फंस गया, मैं बहुत तगड़ा फंस गया, बहुत बड़ा सीन हो गया। जी रिक्वेस्ट कर रहे लाइन पर बने रहिए सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट सिचुएशन सर, रिक्वेस्ट कर रहे लाइन पर बने रहिए, मैं डिटेल्स भी चेक कर रही हूँ। चलो जी सर, हम उनको ऐसा नहीं बोल देंगे, हम उनको अगर कॉल लगती है तो नॉर्मली बात करते हैं सर, कुछ आपका गाड़ी अटक गया अब जाने का होगा बोल के हम बताएंगे उनको। मैं रिक्वेस्ट करिए कॉल लगाइए जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइन पर बने रहिए, अभी उनको कॉन्फ्रेंस कॉल करूँ। कॉल लगी, इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर, इट विल बी रिज्यूम्ड पोस्ट रीचार्ज, उस पर लग नहीं रहा, मैं नंबर दे रहा हूं, इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है, रिचार्ज के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जिस नंबर पर बुकिंग आए थे ना उस पर कॉल नहीं लग रहा उनका। जी तो नंबर बताइए सर, मैं नंबर बता रहा हूँ 83 जी 83 40 जी 13 जी 4154 इस नंबर पे कॉल लग जाएगा, उन्होंने इसी नंबर से कॉल किया था मुझे जब मैंने पिकअप उठाई। जी जी 8 3 4 0 13 13 4154 जी, हाँ जी इसी पे कॉल हुई थी जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनसे। जी जी लाइन पे बन रही है सर, मैं कर रही हूँ। बात कर रही हूँ, गुड आफ्टरनून, होटल से नंदिनी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, सुन पा रहे हैं?
जी सर कस्टमर सर आपने अभी एक स्कूटर में एक बुकिंग किया था उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए कॉल की तो उसके पार्टनर जो है लाइन पर है सर। जी सर प्लीज कंफर्म कीजिए सर आप लाइन पर तो। जी सर वो जो पार्टनर है वो अभी फंस गया है रोड पे, उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया कुछ आरटीओ इशू की वजह से सर। जी सर गांजा निकला नशे का बताओ इस तरीके से वो राइडर के साथ करते हैं, राइडर दोपहर से रोड पर निकलता है, मेरी तो गाड़ी तो बंद करवा दी। सर वो कुछ ऐसा गुड्स है जो पुलिस वालों का भी दिक्कत हो रही है, वो पार्टनर जी का गाड़ी अटक गई है सर उनका, उन्होंने गाड़ी उनका चाबी ले लिया है वो। सर आप क्यों बताया सर, आप बात कर रहे सर, उन्होंने कॉल काट कर चले गए सर। कॉल काट दिया है? जी अश्विता के लिए माफी चाहते सॉरी। मैम सुनिए मेरी बात, इस ऑर्डर पे इतना तगड़ा टिकट आप रेज किए दिए, इसका आईडी भी ब्लॉक होनी चाहिए और दूसरा मुझे जो मैंने इतनी मेहनत करी है टोटल से फेयर टोटल पेमेंट मुझे मिलना चाहिए। जी हम समझ पा रहे हैं, आपको बोलना नहीं था, हम थोड़ा बात कर रहे थे ना सर आरटीओ इशू बोल के, आपने बोल दिया ना आरटीओ क्यों बोलेंगे मैम, जो रियलिटी वही बोलेंगे ना, उसमें झूठ बोलने का क्या फायदा है। देखिए सर अगर वो फ्रॉड होते हैं तो नहीं सुनेंगे ना हमारी बात। फ्रॉड है मैम, फ्रॉड है, बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरीके से अगर फ्रॉड करेंगे जो गरीब इंसान टू व्हीलर खरीद के अपनी मेहनत करके दो पैसा कमाने के लिए जाते हैं रोड पे और उस तरीके से ऐसा काम कर रहे लोग, ये क्या सही है? जी हम समझ पा रहे हैं आपकी असुविधा को, सॉरी बोल रही मैम। इस ऑर्डर पर रिलेटेड आप कंप्लेंट नोट डाउन करिए, मैं बता रहा हूँ नोट डाउन करिए। जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइन पर बने रहिए, मैं अभी ना क्लियर से इशू को मेंशन कर रही हूँ सर। मैं सीनियर हो सके तो आप हो सके तो आप मुझे अपने सीनियर डिपार्टमेंट से मुझे बात करें, मैं बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, बात करवाइए मुझे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर लाइन पर बने रहिए। जी रिक्वेस्ट करूँ लाइन पर बने रहिए। जी जी मेरे कुछ कर तो लाइन पर बने रही, मैं अभी आपको बता रही हूँ, मुझे एक मिनट। हाँ लाइन पे हूँ मैम, मैं लाइन पे। जी धन्यवाद सर। जी मैं अभी ना एक मिनट लाइन पर बने। जी धन्यवाद सर। अश्विदा के लिए माफी चाहते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सिचुएशन सर, अभी हम इसी को ना क्लियर से मेंशन कर रहे हैं, लाइन पर बने रहिए सर। जी मैम एक बात बताइए, कस्टमर को सबको पता है कि पोर्टर पे क्या सप्लाई करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है, ऐसा तो कोई है नहीं इसमें टू व्हीलर बुक करके उसमें नशीली प्रोडक्ट भेज दो, गांजा हो चरस हो ट्रक हो, कल को राइडर मरे या जिए उसकी जिम्मेवार कौन होगा? जी मैं समझ पा रही हूँ आपकी असुविधा को सर, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो मतलब इशू हुई ना वो तो अगर अच्छा लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना सर। मैम आप कंप्लेंट नोट डाउन कीजिए, उनका आरटी सस्पेंड होना चाहिए, दूसरा मेरा जो मेहनत है उसका पेमेंट मुझे पूरा मिलना चाहिए, इसको अपडेट करवाइए, हो सके अपने सीनियर डिपार्टमेंट से मेरी बात करो, उनसे भी बात करने का चाहता हूँ मैं। रिक्वेस्ट करो मैं भी लाइन पे बने रहे सर, रिक्वेस्ट करो अभी ना सर। मैं अभी इशू को मेंशन कर रही हूँ। जी अभी मेंशन करें, पुलिस वालों ने आपको व्हीकल को सीज कर दिया है, व्हीकल को सीज किया प्लस मेरी गाड़ी का चाबी भी उन्होंने जब्त कर लिया है, ये भी मेंशन कीजिए उसमें, कस्टमर ने क्या दिया नहीं दिया पूरा उसमें मेंशन कीजिए। जी जी, जी 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 हम क्लियर से मेंशन कर रहे हैं, पुलिस वालों ने आपका व्हीकल जो है लॉक कर दिया बोल के और आपका लाइसेंस भी सीज कर दिया क्या? हाँ जी।
कुछ कर लाइन पे बने रहिए सर, मैं भी बता रही लाइन पे हूँ मुझे एक मिनट जी धन्यवाद सर। मेंशन टोटली करने के बाद इसका जो ट्रिप फेयर है टोटल अपडेट करवाइए, इसमें जी 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 281 का ट्रिप फेयर है जी, लाइसेंस ब्लॉक हो गई जो कस्टमर का गुड है जी, गांजा है वो जी, गांजा है मैं लाइन पर बने रहे थे मेंशन कर रही हूँ। ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल जो बोलते हैं। हाँ जी जी, हम समझ पा रखे हैं शुभिया को सर जी। लाइन पे बने रही, मैं अभी आपको बता रही हूँ सर। लाइन पर बने रहे थे, मैं भी बता रही थी सर। मैं हमने यहाँ से क्लियर से मेंशन कर दिया है कि उन्होंने अनएक्सेप्टेड जो गुड्स होती है वो गुड्स उन्होंने आपको साथ मतलब दिया है जी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ लाइन पर बने रही, जो ड्रग है, ड्रग आइटम है ना ये जी रिक्वेस्ट करो लाइन पे बने रहिए सर जी। लाइन पे हूँ मैम जी, हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत को सर जी। रिक्वेस्ट करो लाइन पे बने रहिए जी। मैं अभी इशू का मेंशन कर चुकी हूँ, हमारे बैंक ने सबको कॉल बैक आएगी, वो आपका इशू को मतलब रिजॉल्व कर देगी जी सर। पोर्ट को कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो मैम ट्रिप फेयर को अपडेट की तो करिए मैम, ट्रिप फेयर को पेमेंट तो मुझे मिला नहीं ना कस्टमर की तरफ से जी। जो भी है हमारा बैकएंड टीम।